वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट देख ली थी कि 4 जुलाई 2024 मतलब आज ही के रोज़ का ये पत्र है, और ये पत्र जो है नासिक उपसंचालक विभाग से उपसंचालक ऑफिस से निकाला गया है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक जिला परिषद नासिक जड़गांव धुड़े व नंदुरबार इस तरीके से इनको ये पत्र भेजा गया है। और इसका विषय जान लेना काफ़ी अहम है क्योंकि इसका जो विषय है वो जुड़ा है विनानुदानित अंशतानुदानित टुकड़िया स्कूलों से। तो सबसे पहले हम विषय में यहाँ पर जान लेंगे कि शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 अनुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा तुकड्या वरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील टप्पा अनुदान अनुज्ञेय करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे बाबत। तो देखिए, ये जो विषय में बताया जा रहा है कि 6 फेब्रुवरी 2023 के हिसाब से जिन जिन लोगों को अनुदान मिला है, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वो टुकड़ी हो या स्कूल, उनके लिए अगले टप्पे का नियोजन करने के लिए ये पत्र निकाला गया है। आपको समझ आ गया होगा कि 6 फेब्रुवरी 2023 के हिसाब से जितने भी लोग अनुदान के लिए पात्र थे और जिनको अनुदान मिला है, उनके अगले टप्पे का नियोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। विषय में इस तरीके से बताया जा रहा है और संदर्भ उसके बाद आप देख लेंगे। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। ये पत्र भी आपको वहाँ से हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखेंगे आप बीबी चौहान विभागीय शिक्षण उपसंचालक नासिक विभाग नासिक, इनका ये पत्र है। बताया जा रहा है कि उपरुक्त संदर्भीय विषय वे अपनेस कळविण्यात येते की शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 नुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या आपल्या जिल्ह्यातील प्राथमिक माध्यमिक तुकड्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील टप्पा अनुदान अनुज्ञेय करण्यासाठीचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्यात यावे। तो देखिए, पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यासाठी प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्यात यावे इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो तमाम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी की माहिती इन्होंने मंगाई गई है और इसका प्रस्ताव सादर करने की बात इस पत्र में ये कर रहे। शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुढील टप्पा अनुदानासाठी वंचित राहिल्यास आपण जबाबदार राहील। और यहाँ पर एक टिप दी गई है कि अगर कोई भी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदान के अगले टप्पे से वंचित रह जाता है तो इसकी सर्वस्वी जवाबदारी जो है वो संबंधित लोगों पर डाल दी जाएंगी। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फिलहाल यहाँ पर 4 ही जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं, नासिक, नंदुरबार, धुड़े और जलगांव। इसी तरीके से संपूर्ण महाराष्ट्र में जो है बारी बारी उपसंचालक ऑफिस से पत्र निकाले जाएंगे और अनुदान के अगले टप्पे की जो प्रोसेस है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। अगले कुछ ही दिनों में आपको टप्पा वार डेफिनेटली मिलने वाला है। इस पत्र ने इसका संकेत ऑलरेडी दे दिया है। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट।